जहां तक उनका वक्तव्य है, मुझे नहीं मालूम कि अगर ये इन्होंने कहा है, पर अगर ये इन्होंने कहा है तो ये इसी बात को साबित करता है कि भाजपा प्रजातंत्र की हत्या करने में पहली नंबर पर है। इन्होंने गोवा में करके दिखाया है, इन्होंने मणिपुर में करके दिखाया है, एक दो राज्यों में करके दिखाया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाजपा को, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता के आदेश पर स्थायी थी, स्थायी है और स्थायी रहेगी, और भाजपा के मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सत्य में परिवर्तित नहीं होंगे। देखिए हर व्यक्ति का हक है कि वो अपना पक्ष जनता के समक्ष रखे। मेरी आदत नहीं है कि किसी की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी करूं। महाराज जनता सत्य जानती है। देखिए कोई चुनाव एक पक्षीय नहीं होता। प्रजातंत्र का चुनाव को आपको सदैव गंभीरता से लेनी चाहिए। जो व्यक्ति चुनाव को गंभीरता से नहीं लेगा, जनता उसे नतीजा दे देती है। मैंने आपको कहा ना कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी है, जिन्होंने हमको समर्थन दिया है, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, उनका पूर्ण सम्मान हम करते हैं, और साथ में मिलकर ही उनके समर्थन के साथ ही हम ये सरकार को चला रहे हैं और ये सरकार स्थायी रहेगी। जहां तक प्रत्याशी की बात है, अगर कोई प्रत्याशी दौरा करके समझकर समर्थन किसी और को दे तो ये भी प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें किसी को इतराज होने का क्या मतलब।